पहली बॉलीवुड फिल्म श्रीदेवी के लिए बुरी किस्मत जैसी थी। किताब में हुआ बड़ा खुलासा, साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों को जीतने वाली अदाकारा श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अभिनय और खूबसूरती को लेकर आज भी हर कोई चर्चा करता है। दुनिया से अलविदा कहने के बाद भी उनके जिंदगी को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। उनकी जिंदगी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हाल ही में श्रीदेवी की जिंदगी पर आधारित एक किताब रिलीज हुई है। इस किताब को पत्रकार और लेखिका ललिता अय्यर ने लिखा है। इस किताब का नाम श्रीदेवी क्वीन ऑफ हार्ट है। इस किताब में श्रीदेवी का एक बयान की काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने यह बयान अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म हिम्मत वाला हिट होने के बाद दिया था। श्रीदेवी क्वीन ऑफ हार्ट किताब में साल 1987 में श्रीदेवी के एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया है। उन्होंने अपनी फिल्म हिम्मत वाला को एक खराब अनुभव बताया था। उन्होंने कहा, तमिल फिल्मों में मैं खुद को सहज रूप से देखना पसंद करती थी, लेकिन हिंदी फिल्म में ऐसा नहीं है। यहाँ ग्लैमर, शानो शौकत और मसाला दिखाना जरूरी है। यह मेरी खराब किस्मत थी कि मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म एक कमर्शियल फिल्म साबित हुई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीदेवी ने कहा, जब मैंने फिल्म सदमा की तो वह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद लोग मुझे फिल्मों में ग्लैमरस रोल के लिए लेने लगे, लेकिन एक दिन मैं लोगों को यह साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ग्लैमर के अलावा एक्टिंग भी कर सकती हूं। श्रीदेवी का यह बयान साबित करता है कि वे बॉलीवुड फिल्म हिम्मत वाला से खुश नहीं थी। आपको बता दें कि श्रीदेवी की फिल्म हिम्मत वाला साल 1983 में आई थी। इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म श्रीदेवी के फिल्मी करियर की सबसे बेहद खास फिल्म साबित हुई थी। फिल्म हिम्मत वाला ने श्रीदेवी को रातों रात सुपरहिट हीरोइन बना दिया था।